नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। चलिए डियर, हम लोग आज बात करते हैं, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल होगा एचटीएमएल का बहुत ही अच्छा होगा, और इस पे हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम लोग लाइन को हम लोग ड्रा करते हैं। तो लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा टैग होता है, एचआर टैग होता है, कैसे हम लोग को हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे दिखाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एचआर टैग की। एचआर टैग क्या होता है, एचआर टैग का मतलब होता है ड्राइंग लाइन, ये लाइन को ड्रा करता है। ओके, तो डियर इसमें हम बात करते हैं कैसे हम लोग रूलर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एस्टिमेट टाइटल यहाँ पे ओपन कर लेंगे। एस्टिमेट टैग हमारा ओपन हो गया, बॉडी टैग ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमको जो भी डिफाइन करना है, हमको सपोज दैट पैराग्राफ डिफाइन करना है, तो हमने पैराग्राफ में लिख दिया हॉरिजॉन्टल रूलर फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से जितना आपको लाइन ड्रा करना है यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया। इसी तरीके से हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में डिफाइन करना है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे भाई, एचआर टैग लगा देंगे। कौन सा टैग लगा देंगे, एचआर टैग लगा देंगे। ओके, और इसी लाइन में क्या करेंगे, पी टैग को बंद कर देंगे। पी टैग को क्या कर देंगे डियर, बंद कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे पी टैग अप्लाई कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पी टैग अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल रूलर आपका हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर लिया रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर में डिफाइन कर लिया। एचआर टैग लगा दिया, कौन सा टैग लगा दिया, एचआर टैग लगा दिया। अब क्या करेंगे, पी टैग को बंद कर दो। ओके, इस तरीके से और लाइन ड्रा करना है, फिर से हमने पी टैग ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या देना है, हॉरिजॉन्टल फिर हमको देना है, क्योंकि एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हमने फिर डिफाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर लिया रूलर। ठीक है, एचआर टैग डिफाइन कर लो यहाँ पे। ओके, पी टैग को बंद कर दो। चलिए, पी टैग क्लोज हो गया। और भी डिफाइन करना तो इसी तरीके से आप प्रत्येक लाइन में अलग अलग आप पी टैग इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब हम क्या करेंगे डियर, अब हम क्या करेंगे, आप यहीं पे इसको क्लोज करके तुरंत बॉडी को बंद कर दें। तुरंत क्या कर दें, बॉडी को बंद कर दें। बॉडी टैग हमारा बंद हो गया। ओके, तुरंत एस्टिमेट टैग बंद हो गया। तुरंत यहां पे हमने क्या कर दिया, एस्टिमेट टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से डियर आज हम लोग क्या, कौन सा टैग का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे, हम लोग क्या एचआर टैग का इस्तेमाल कर लिया, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर को कैसे डिफाइन करना था आज आपने देखा होगा। इसको फट से क्या करेंगे, तुरंत फाइल में जाके फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हमने इसको भी रन करा के देख लिया, और तुरंत यहाँ पे हमें मिल गया। मान लो किसी का नाम है राम, नाम से हमने फाइल को सेव कर लिया। ठीक है, हाँ, राम डॉट एचटीएमएल से हमने फाइल को सेव कर लिया। ओके, आइए देखते हैं इसका आउटपुट कैसे मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे राम नाम की फाइल को सेव किया, देखिए इसका आउटपुट कैसे आप लोगों को मिल गया। भाई ध्यान से देखो मेरी बात को, देखो। ठीक है, ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर इस तरीके से पूरे पेज में डिफाइन हो गया। हम इस तरीके से तीन पैराग्राफ पे इस्तेमाल किए थे यहाँ पे, इसीलिए हमको तीन हॉरिजॉन्टल रूलर यहाँ पे दिखाई दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग ये भी सीख लिए कि कैसे हम लोग लाइन को ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, वर्टिकल कैसे करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल अभी आगे हम बताएंगे। तो बहुत ही आसान था डियर। ओके,